सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले टॉप 5 बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स अंडर 1000। तो 1000 में लोग बेस्ट गेमिंग हेडफोन के बारे में जानने वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग गेमिंग हेडसेट के बारे में जानेंगे, गेमिंग हेडफोन्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे अगर आप म्यूजिक लवर हो, म्यूजिक सुनते हो या फिर आपको वीडियो एडिट करना है, अगर आपको एक हेडफोन चाहिए जो कि काफी अच्छा आपके लिए साउंड प्रोवाइड करे, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आपको सारा डिटेल आपको पता चल जाए कि आप भाई 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो एक हेडफोन के लिए, तो आपको कैसा हेडफोन देखने मिल जाता है यहाँ पे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि यार चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है आप लोगों ने, अगर वीडियो पर नए हो तो यार कर लो यार चैनल को सब्सक्राइब। बहुत दिन हो गया भाई, लेकिन यहां पे 1000 भी सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो गाइस यार कर दो यार जल्दी से सब्सक्राइब। सो लेट्स चेक आउट द बेस्ट गेमिंग हेडफोन अंडर 10000। यार 10000 नहीं 1000। तो फर्स्ट हेडफोन दैट इज विंग वेडर। अब यार विंग वेडर 100 ये वाला हेडफोन आपको 1000 में कहीं पर भी आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन गाइस, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता हूँ, वो मेरा एफिलिएट लिंक रहता है, तो यार चैनल की भी हेल्प हो जाती है थोड़ा सा, तो यार वहाँ से आप परचेस कर लिया करो, उससे मुझे काफी ज्यादा खुशी होता है और गाइस काफी ज्यादा वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती है। बिकॉज गाइस अभी मेरा कहीं से भी अर्निंग नहीं होता है, तो एक अर्निंग का सोर्स वहाँ पे मैंने ना रखा है, बट बहुत ही कम अर्निंग होता है, मतलब उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, उम्मीद रहता है यार 1-2 रुपए जो भी मतलब हो जाता है तो आप लोग कि, इसलिए मैं बोलता हूँ काफी फ्लेट से आप खरीदा करो, बाकी यार आपकी मन के अनुसार से आप जहाँ से भी खरीद सकते हो, कोई भी फोर्स नहीं है। गाइस इसमें आपका जो ड्राइवर दिया गया है, जो 40mm का यहाँ पे ड्राइवर दिया गया है, जो कि 3D सराउंडिंग साउंड को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 3D सराउंडिंग साउंड को सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टॉप दिया गया है और देखने में भी गाइस काफी बढ़िया देखने मिल जाता है। इसका जो ईयर मूव्स जो दिया गया है गाइस, यहाँ पे जो ईयर मूव्स दिया गया है इसका काफी अच्छा है। सो गाइस यहाँ पे इसमें सबसे अच्छी बात यह हो जाती है कि इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अनुसार से, तो एडजस्टेबल है। अब इसको बिल्कुल अच्छे तरीके एडजस्ट कर सकते हो अपने अनुसार से, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। इसमें गाइस आपको 3.5mm का जैक तो मिलता ही है, उसके साथ साथ इसमें आपको गाइस एक बहुत अच्छा क्वालिटी का माइक्रोफोन भी दिया गया है, जिससे आप गेमिंग करते वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ बात भी कर सकते हो। अब देखो यार, इसमें जो माइक होता है इनबिल्ट उतना भी ज्यादा बढ़िया नहीं होता है, तो उतना उम्मीद मत रखना। आपको बहुत अच्छा अगर माइक चाहिए तो आप डेडिकेटेड माइक ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो गाइस, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट कर देना कितने में आपको माइक चाहिए, मैं बता दूंगा कि अगर 5000-10000 में आपको टॉप 5 बेस्ट माइक्रोफोन कंडीशनर माइक चाहिए, उस पर भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। तो अभी पे इसमें गाइस आप बहुत बात वगैरह कर सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पे वॉइस क्वालिटी आपको देखने नहीं मिलेगा। डीप बेस का भी फीचर देखने मिल जाता है, डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है, काफी अच्छा है। और इसका जो वेट रहने वाला गाइस, तो 200 ग्राम होने वाला है। अब तक का मैं जितना भी यहाँ पे हेडफोन बताने वाला हूँ, सबसे ज्यादा मतलब की हल्का है, 200 ग्राम काफी हल्का है और देखने में बहुत अच्छा है। और गाइस इसका प्राइस बहुत अच्छा है, 1000 में आपको देखने मिल जाता है, कभी कभी 700-800 में भी ये देखने को मिल जाता है जब डील वगैरह चल रहा होता है। तो इसमें 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, काफी अच्छा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे हेडफोन्स के बारे में बात किया जाए, दैट इज रेड गियर की तरफ से आता है, रेड गियर कॉस्मोस 7.1। इसको कौन नहीं जानता यार, बहुत ज्यादा फेमस ये यहाँ पे हेडफोन हो चुका है, बहुत सारे लोग इन्होंने प्रमोशन भी किया है। बट गाइस यहाँ पे मैं रियलिटी बताने वाला हूँ, स्पेसिफिकेशन को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ना ही ये वीडियो स्पॉन्सर है, ना ही मैं प्रमोशन कर रहा हूँ किसी का। तो गाइस रेड गियर की तरफ से कॉस्मो ये जो RGB इसमें आपको स्ट्रिप देखने मिल जाता है, जो कि यहाँ पे एयर मूव के साथ होता है। उसमें आपको जो ड्राइवर है उसमें आपको यहाँ पे RGB लाइटिंग देखने मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा गेमिंग वाला RGB की नशे वाला यहाँ पे फीचर देखने मिल जाता है। इसमें यहाँ पे वर्चुअल 7.1 सराउंडिंग साउंड दिया गया है। अब यार सराउंडिंग साउंड का मतलब क्या होता है आपको बता रहा हूँ कि गेमिंग के लिए दिया गया रहता है, जो आपका पैर वगैरह जो कि मतलब कि छोटे 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 साउंड होते हैं ना, वो काफी अच्छे से सुनाई देते हैं। इसमें ये आपको बेनिफिट होगी कि आप गेमिंग करते वक्त काफी अच्छे से छोटे छोटे साउंड को सुन सकते हो। बट यहाँ पे अगर म्यूजिक लवर हो तो उसमें उतना खास बेस देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे उतना खास बेस आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए गाइस यहाँ पे सराउंडिंग साउंड दिया गया रहता है। अगर आपका बेस साउंड को बढ़ा दिया जाए तो छोटे छोटे जो साउंड होते हैं वो बेस में इंक्लूड हो जाते हैं और आपको उतने अच्छे से सुनाई नहीं देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा छोटा सा पॉइंट। तो गाइस इसमें काफी अच्छा आपको दिया गया है और इसमें गाइस बोला गया है कि नॉइस कैंसलिंग का भी फीचर देखने को मिल जाता है माइक में। बट यार इतने कम प्राइस रेंज के यहाँ पे हेडफोन में उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए नॉइस कैंसलिंग के बारे में कि बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा होगा। तो हाँ, थोड़ा सा स्टिल आपको अच्छा मिल जाएगा, बट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। RGB LED लाइट देखने को मिल जाता है, FX ईयर कप्स में जो होता है गाइस आपको बहुत अच्छा RGB देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको ऑडियो कंट्रोल मिल जाएगा, एयरलाइन का भी सपोर्ट, इनलाइन का भी रिमोट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है। इसके साथ इनलाइन रिमोट का भी फीचर दिया गया है। इसमें डीप बेस दिया गया है, जैसा कि इसके मतलब फर्स्ट वाले हेडफोन्स में बताया उसी तरीके से, उतना खास बेस नहीं होता है और 1 ईयर की आपको वारंटी मिल जाती है। अब यार हेडफोन का जो प्राइस है दैट इज 1200 ओनली। अब देखो, कभी कभी 1000 में भी बिकता है, कभी कभी 800 में भी बिकता है, तो डील के अनुसार से, क्योंकि ये हेडफोन है तो भाई डील में अगर लोगे तो आपको काफी अच्छा पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जब भी डील हो तो आप परचेस कर सकते हो। डील को अगर
अगर जानना है गाइस तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं लेटेस्ट डील डालते रहता हूँ। नाउ नेक्स्ट हेडफोन दैट इज कॉस्मिक बाइट H11 या फिर H1 है। यहाँ पे गाइस इसमें 40mm के ड्राइवर दिया गया है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो दिया गया है 3200 OHMS पता नहीं क्या है बट दिया गया है। यहाँ पे आपको 3.5mm का जैक भी देखने इसमें मिल जाएगा। इनलाइन का रिमोट कंट्रोल यहाँ पे रिमोट सपोर्ट दिया गया है और यहाँ पे स्पीड प्रूफ यहाँ पे दिया गया जो कि सारे हेडफोन्स में आपको एटलीस्ट देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे फोल्डेबल भी होने वाला है, इसको भी आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो काफी अच्छे तरीके से। डीप बेस का फीचर यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाता है। नॉर्मल माइक्रोफोन दिया गया है, नॉर्मल माइक दिया गया है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि काफी अच्छा माइक्रोफोन मिल जाएगा। हाँ थोड़ा सा अच्छा माइक्रोफोन मिल जाता है, लेकिन अगर आप मतलब थोड़ा सा इसी प्राइस रेंज में अच्छा माइक्रोफोन चाहिए तो इसके मैंने जस्ट मतलब जिसमें रेड गियर का जो मैंने हेडफोन बताया वो वाले हेडफोन्स को आप ले सकते हो, उसमें आपको थोड़ा सा माइक बेटर यहाँ पे देखने मिल जाता है। इसका जो प्राइस होने वाला गाइस 1000 का होने वाला, ये भी आपको 1000 में मिल जाएगा। जितना भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दूंगा बेस्ट डील का, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ये वहाँ से बाय भी आप कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडफोन होने वाला दैट इज कॉस्मिक बाइट की तरफ से ही आने वाला G4000। अब यार देखो मैंने कॉस्मिक बाइट का 2-2, 3-3 ले रखा है और यार क्योंकि यार देखो इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा हेडफोन। मतलब ये कंपनी काफी बढ़िया है इस प्राइस रेंज के लिए, जाना जाता है काफी अच्छे अच्छे एक्सेसरीज बनाने के लिए। और यार थोड़ा सा मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा बिकॉज यार बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर आ रहा होगा, मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ना, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा वीडियो का और यहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा होगा, तो यार उसके लिए दिल से सॉरी। अब इस वाले हेडफोन के बारे में बात किया जाए तो आपको इसमें 50mm की ड्राइवर देखने मिल जाती है, तो थोड़ा सा ड्राइवर बड़ा हो जाता है, जिनका कान थोड़ा सा बड़ा, जिनका ईयर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उनके लिए बेस्ट हो जाता है, मतलब कि ज्यादा कंफर्टेबल चाहिए तो नहीं। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा ड्राइवर देखने मिल जाता है। 3.5mm जैक इसमें भी आपको मिल जाता है, इनलाइन रिमोट का सपोर्ट दिया गया है, स्वीट प्रूफ इसमें भी दिया गया है और यहाँ पे फोल्डेबल बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जिसको आप फोल्ड नहीं कर सकते हो, एडजस्ट नहीं कर सकते हो, एडजस्ट थोड़ा बहुत ही हो सकता है। यहाँ पे आपको ये फोल्डेबल नहीं मिलता है, इसको मोड़ वोड़ नहीं सकते। इसमें डीप बेस का फीचर आपको देखने मिल जाता है, यहाँ पे वाटर रेसिस्टेंस का भी फीचर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं वाटर प्रूफ, मतलब ऐसे बोले तो वाटर प्रूफ जिसको बोलते हैं। तो वो तो गाइस सभी में थोड़ा बहुत देखने मिल जाता है, बट इसमें इन्होंने बोला हुआ है बट आप चेक मत करना, ग्रेजी XYZ बनने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। आपको ये हेडफोन गेमिंग के लिए यूज करना है तो वो आप गेमिंग के लिए यूज करो, एक्सपेरिमेंट के लिए मत यूज करो इसको। गाइस इसमें माइक्रोफोन दिया गया है जिसका नाम है HD माइक्रो। अब यार इसमें जैक के बारे में यहाँ पे मेंशन तो किया गया है 3.5mm जैक का दिया गया है, बट यहाँ पे जो गाइस स्पेसिफिकेशन में मैं जब देख रहा था यहाँ पे PC लैपटॉप यहाँ पे लिखा था, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि PC लैपटॉप के साथ साथ मोबाइल में भी कनेक्ट हो जाता होगा। अगर नहीं भी होता होगा तो आप तो जानती हो कि जुगाड़ कैसे लगाना है यहाँ पे। इसका भी इसका जो प्राइस है सबसे अच्छा है, यहाँ पे आपको 800 में मिल जाता है, तो इसका अभी करंट प्राइस 900 चल रहा है, मतलब 900 के आसपास ये देखने मिल जाता है आपको, तो आप चेकआउट कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। आज थोड़ा सा मैं स्लो हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा खाली हूँ, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बना रहा हूँ बाहर बैठ के। ये वीडियो मेरा काफी ज्यादा लेट आ जाता है क्योंकि यार टाइम ही नहीं रहता है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट हूँ तो स्टडी करना पड़ता है, स्टडी के साथ साथ मैं वीडियो भी बनाता हूँ, तो यार देखो दोनों चीज को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट मैं कर लेता हूँ। वीडियो इसलिए डेली नहीं डालता हूँ या फिर मैं 3 दिन में ऐसे वीडियो नहीं डालता हूँ क्योंकि बना ही नहीं पाता हूँ वीडियो, यार मैं स्टडी के इतना प्रेशर रहता है इसलिए वीडियो भी नहीं डालता हूँ। अगर मैं डेली वीडियो डालने लगूँ तो उतना व्यूज भी नहीं आता है मेरा, तो कंसिस्टेंसी से मैं काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से मैं काम करता ही रहूंगा। आप लोग सपोर्ट दिखाओगे मुझे पूरा पूरा उम्मीद है यार, और सपोर्ट ही आप लोग दिखा रहे हो शुरू से ही जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग जो लास्ट हेडफोन के बारे में बात किया जाए बट नॉट लिस्ट, तो गाइस यहाँ पे जो रेड गियर की तरफ से क्लॉक आता है। अब यार इस वाले हेडफोन की एक तो मैं इस यहाँ पे लिस्ट में रखने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भाई जिसको यार मतलब चीपर प्राइस रेंज में कम से कम प्राइस रेंज में बेहतर क्वालिटी चाहिए, मतलब बेहतर तो नहीं क्योंकि कम प्राइस रेंज में क्या ही बेहतर लोगे, लेकिन गाइस ये रेड गियर का जो क्लॉक RGB वाला वायर्ड यहाँ पे आपको हेडफोन देखने मिल जाएगा ना, इसमें साउंड क्वालिटी अच्छा है, मतलब की इनहेंस्ड है और गाइस 50mm की ड्राइवर देखने मिल जाती है विद इनहेंस्ड ऑडियो बेस साउंड। तो यहाँ पे आप म्यूजिक लवर हो तो म्यूजिक वगैरह भी इसमें काफी अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हो। इनलाइन का सपोर्ट इसमें नहीं दिया गया है, डीप बेस इसमें देखने मिल जाता है, माइक्रोफोन भी देखने मिल जाता है। अब ये यहाँ पे गाइस 600 में आपको देखने मिल जाता है, एक ईयर की वारंटी मिल जाती है इसमें, 600 में तो देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे जो इसका वेट है काफी भारी है, तो आपका जो है सर वर थोड़ा सा दर्द वर्द करने लग जाए अगर ज्यादा टाइम तक आप गेमिंग करने लगो तो। यार एक तो यार गाइस कम प्राइस रेंज में मिल रहा है और सस्ता है और बहुत अच्छा क्वालिटी का है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। सो दोस्तों जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप छाप सकते हो, और गाइस यहाँ पे इन्हीं सारे आप हेडफोन्स को ले सकते हो 1000 के अंदर। आप देखो 1000 के अंदर बहुत सारे हेडफोन्स आते हैं बट मैंने उन्हीं हेडफोन्स को यहाँ पे रखा हुआ है जो कि वन ऑफ द बेस्ट हैं, तो काफी रिसर्च करके मैंने यहाँ पे हेडफोन्स का लिस्ट निकाला हुआ है, तो इनमें सारे हेडफोन आपको काफी बढ़िया है, तो आप जो भी आपको पसंद आता है इनमें से सारे में से किसी एक को आप परचेस कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।